हाल ही में हमने आपको बताया था कि इस बार द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे हैं फिल्माशिकी के हीरो हीरोइन राहुल रॉय और अनु अग्रवाल। आपको बता दें कि फिल्माशिकी के 30 साल पूरे होने पर इस फिल्म की टीम इस मौके को सेलिब्रेट करने पहुंची कपिल के शो में, और इस दौरान राहुल और अनु के साथ एक्टर दीपक तिजोरी भी नजर आए। हालांकि शो में इन स्टार्स ने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी लाइफ और फिल्मी करियर से जुड़े कई राज भी खोले, और एक्टर राहुल रॉय ने तो एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर आप भी बाद में कहेंगे, ऐसे बिगड़ा इस आशिकी के हीरो का हाल, शाहरुख ना होते तो होता स्टार। दरअसल राहुल ने बताया कि 27 साल पहले उनसे एक ऐसा चांस मिस हो गया कि अगर वो उस मौके का फायदा उठा लेते तो आज वो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार होते। आपको बता दें कपिल के शो पर राहुल ने खुद इस बात का खुलासा किया कि फिल्म आशिकी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। राहुल ने कहा, 6 महीने तक तो कोई काम नहीं मिला, लेकिन इसके बाद मुझे लगभग 46 फिल्मों के ऑफर्स आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस फिल्म को लूं और किसे छोड़ दूं। मुझे याद है यश चोपड़ा जी ने मुझे कहानी सुनाने के लिए फोन किया था। मैं एक अन्य फिल्म में उस समय बिजी था, इसलिए और किसी फिल्म को साइन नहीं कर सकता था। मेरी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी और फिल्म मेकर्स मेरी डेट्स के लिए आपस में झगड़ रहे थे। हालांकि इसके बाद राहुल से पूछा गया कि वो फिल्म कौन सी थी और उनके बाद ये फिल्म किसके हाथ लगी, तब राहुल ने क्या कहा आप भी सुनिए। वो फिल्म डर थी जो बाद में शाहरुख खान को मिली और उसने शाहरुख का करियर बनाने में बहुत मदद की। उन्होंने फिल्म में जो राहुल का किरदार निभाया था वो मुझे दिमाग में रखकर लिखा गया था। मुझे आज भी बहुत अफसोस है कि मैं उस फिल्म को साइन नहीं कर पाया। हालांकि राहुल ने ये भी बताया कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना उनका खुद का फैसला था, जिसके लिए वो कभी शिकायत नहीं कर सकते। जाहिर है कि राहुल की उसे भूल ने आज उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है और आज शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके हैं। सोचिए अगर राहुल डर फिल्म कर लेते तो ये आशिकी एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार हो सकता था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।